हंसकर डटकर मुकाबला कर सके। आज मां भारती भारत के युवाओं से यही आह्वान कर रही है, भूखंड बिछा, आकाश ओढ़, नए नोदक ले, मोदक प्रहार, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपने जीवन धन को निहार। आने वाले 25 साल का अमृतकाल देशभक्ति के ज्वार का है, और आज चुनौती इस बात की नहीं है कि दुनिया में कोई इसे स्वीकार करेगा या नहीं। आज महत्व इस बात का है कि जब दुनिया भारत को इतनी उम्मीदों के साथ देख रही है, इतने भरोसे के साथ देख रही है, तो भारत अपने प्रयासों में कहीं से भी कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा। आज आजादी के अमृत महोत्सव में भारत ने जो संकल्प लिए हैं, जो अभियान शुरू किए हैं, वो निरंतर नई ऊर्जा पाते रहे, इसका बहुत बड़ा दायित्व हमारे देश के कोटि कोटि नौजवानों पर है। आज इस समय जितने भी युवक युवतियां एनसीसी में हैं, एनएसएस में हैं, उसमें से ज्यादातर इस शताब्दी में ही पैदा हुए हैं। आपको ही भारत को 2047 तक बड़े आन बान शान के साथ लेकर जाना है, इसलिए आपकी कोशिश है, आपके संकल्प उन संकल्पों की सिद्धि भारत की सिद्धि होगी, भारत की सफलता होगी। राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती, राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं होता। देश को सर्वोपरि रखते हुए आप जो भी करेंगे वो देश के विकास में मदद करेगा। आज हमारी युवाओं ने भारत को स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में पहुंचा दिया है। कोरोना के इस संकट काल में जितने यूनिकॉर्न बने हैं वो भारत के युवाओं का शक्ति प्रदर्शन है। आप कल्पना कर सकते हैं, 50 से ज्यादा यूनिकॉर्न कोरोना काल के दौरान अस्तित्व में आए हैं, और आपको तो पता ही होगा एक एक यूनिकॉर्न, एक एक स्टार्टअप की पूंजी 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये क्षमता, ये सामर्थ्य बहुत बड़ा विश्वास जगाता है। और जानते हैं इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, कि हजारों स्टार्टअप्स देश की किसी न किसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बने हैं। कोई कृषि क्षेत्र में नया कर रहा है, कोई सप्लाई चेन को सुधारने के लिए नया कर रहा है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए कुछ नया कर रहा है। इनमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है। साथियों, जिस देश का युवा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ने लगता है, उसे कोई दुनिया की
दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज खेल के मैदान में भारत की सफलता भी इसी का एक बड़ा उदाहरण है। खिलाड़ी की प्रतिभा, खिलाड़ी का संकल्प, उन सारी बातों का अपना महत्व है ही, खिलाड़ी के परिश्रम का भी बहुत महत्व है, लेकिन अब उसकी हार जीत के साथ 130 करोड़ देशवासी जुड़ जाते हैं। भारत का युवा किसी भी मैदान में किसी से टक्कर ले रहा है तो पूरा देश उसके पीछे एकजुट हो जाता है। खिलाड़ियों में भी ये भावना प्रबल है कि मैं पुरस्कार के लिए नहीं, अपने देश के लिए खेल रहा हूं। इसी भावना के साथ हर क्षेत्र में भारतीय युवाओं को, देश की भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। साथियों, कोरोना के इस काल ने पूरी दुनिया को हम भारतीयों के अनुशासन, हम भारतीयों की समाज शक्ति का परिचय दिया है। अब जनता कर्फ्यू के दौरान पूरा देश कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हो गया तो पूरा विश्व हैरान हो गया था। कुछ लोग हमारे समाज को कोसते हैं, लेकिन इसी समाज ने दिखा दिया कि जब बात देश की हो तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। जब सही दिशा मिले, सही उदाहरण मिले, तो हमारा देश कितना कुछ करके दिखाता है, ये उसका उदाहरण है। आप एनसीसी और एनएसएस के युवाओं ने भी कोरोना के इस संकट में अपने सेवाभाव से सभी का दिल जीता है। अब आपके ये भी दायित्व तो है कि जो कुछ आपने एनसीसी में सीखा है, वो सिर्फ जब यूनिफॉर्म पहना हो तभी काम में आए, ऐसा नहीं होता है। वो आपके पूरे जीवन